गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, पंकज कॉम्पिटेटिव क्लास में आपका स्वागत है। यहाँ पे जो है एनटीपीसी का प्रैक्टिस सेट लगाया जाता है, जो कि टाइपिंग करके दिया जाता है, खुद हम बनाते हैं, मेरा गेस्ट क्वेश्चन रहता है। चलिए आज इसका हम एनटीपीसी का दूसरा सेट का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं मैथ का। जैसे 30 नंबर मैथ आया था, 30 नंबर क्वेश्चन में इसका जो है पीडीएफ ग्रुप में शेयर कर दिया जाता है और सेट मारने के बाद आंसर भी शेयर कर दिया जाता है। जिनको भी जरूरत है तो अपना सेट मार के आंसर भी अपना मिला लेंगे। जो नहीं यहाँ आ पाते हैं उनको भी संभव हमने किया। चलिए आइए, 30 नंबर क्वेश्चन क्या है कि एक विक्रेता ने 40 दर्जन केले 250 रुपया में खरीदे। तो 40 दर्जन 250 रुपया में खरीदा गया, उनमें से 30 केले सड़े हुए थे, यानी 30 केले सड़े हुए थे, तो इसका मतलब क्या है, यानी अढ़ाई दर्जन केला सड़ गया, यानी 40 दर्जन में अढ़ाई दर्जन सड़ गया, नहीं ठीक है। अब शेष कितना बचा, सड़े 37 दर्जन। जो सड़ गया ना उसे बेचा नहीं जा सका, जो सड़ गया। शेष बचे केलों को प्रति दर्जन किस दर से बेचना चाहिए कि जिससे 20% लाभ हो। तो बाबू सबसे पहली बात, वो चाह रहा है पूरे पर 20% लाभ, यानी 40 दर्जन कितना रुपया खरीदा, 250 रुपया, 250 रुपया में खरीदा कई दर्जन, 40 दर्जन। मीन्स ये करे मूल है, करे मूल के तुलना करे मूल। और तुम जो है बाबू चाह रहा है कि टोटल पे कितना 20% लाभ हो, तो तुम जो है 250 रुपया चीज कितना बेचोगे, 120 बेचोगे ने। मीन्स ये तुम्हारा क्या हो गया, यानी 25 गुना 12, ये तुम्हारा क्या आ गया, विक्रय मूल्य। अब इतना रुपया में तुम कितना दर्जन बेचोगे, 37 दर्जन ने यार, 37.5, क्योंकि 40 दर्जन तुमने केला खरीदा और 30 केला सड़ गया, तो एक दर्जन बराबर 12 केला, तो 2 दर्जन 24 हो जाएगा, यानी 6 केला मैंने आधा दर्जन, यानी 2.5 दर्जन सड़ गया, तो बचेगा कितना, 37.5 दर्जन, नहीं यानी 37.5 को लिख सकते हैं 75/2 हो जाएगा। यही पे कर दिए तो 25 दिया, 75 3 चौका 12 चार दूनी 8 रुपया प्रति दर्जन, ठीक ना, हाँ प्रति दर्जन, कोई दिक्कत हो जाएगा ना, 8 रुपया प्रति दर्जन। हाँ तो इसका जो यानी पीडीएफ हम दे देते हैं, बनाते हैं, क्योंकि लिखना क्वेश्चन संभव नहीं है, आप जो है पीडीएफ उसको देखते चलिए और सॉल्यूशन हम करते चलते हैं। तो 30 नंबर में आशा करते हैं दिक्कत नहीं होगा। 31 नंबर हमको लगता है बन गया होगा, औसत का ये क्वेश्चन है 31। 14 विद्यार्थियों के औसत अंक 71 थे, 14 विद्यार्थी के औसत अंक कितना था, 71। बाद में यह पाया गया कि एक विद्यार्थी के अंक को गलती से 56 के स्थान पे 42 लिख दिया गया, 56 के स्थान पे कितना लिख दिया गया, 42, और अन्य विद्यार्थी के अंक को, यानी एक और अन्य विद्यार्थी के अंक को 321 के स्थान पर 74 लिख दिया गया। अच्छा तो सही औसत क्या है, अरे बाबू 14 विद्यार्थी के औसत जो है इतना औसत जितना थे, बाद में यानी 14 विद्यार्थी के औसत इतना ला दिया, और बाद में पाया गया कि 2 विद्यार्थी जगह 56 और इतना के स्थान पे इतना और इतना लिख दिया, तो सही आंसर क्या होगा, सही उत्तर, सही औसत क्या होगा। तो आप ऐसा कीजिए, ये दोनों के जो है
जोड़ लीजिए, जोड़ लीजिए, ये 321 है। हमको नहीं लगता है 321 कितना होगा, हमको लगता है 32 से देख के कोई बना रहे हैं लड़का, 21 देख के आ जाता है, या फिर हम देखते हैं क्योंकि इतना नहीं रह सकता है, ऐसे हम वो भी करके दिखा देंगे, ठीक ना। हो सकता है 32 अगर रहे तो इसको कैसे बनाएंगे, छो दो 8 5 3 8 है यहाँ, 6 7 11 ऐसे हो जाएगा। तो बाबू गलती से 71 ले लिया, 71 कब आया, जब इतना लिया तब, अगर सही में इतना लेता तो औसत क्या हो जाता, कम जाता, कम जाता तो कितना कम जाता, तो 16 और 12 कितना 28 कम जाता, 28 बटे कितना संख्या है 14, तो क्या हो जाएगा, तो यानी 71 में तू गया कितना हो जाएगा, सही उत्तर जो है 69 आ जाएगा। आंसर क्या दिया रखा, सही है। तो हाँ आप लोग को क्या करना है ना, 321 नहीं है 32, कोई दिक्कत, 321 के जगह क्या कर लीजिएगा, 32 आंसर मिल जाएगा, कोई दिक्कत, हाँ ये हो जाएगा 71। 14 लड़का के समझ लीजिए, 14 लड़का के औसत इतना निकाला, कब, जब दू लड़का इतना इतना के स्थान पे इतना इतना काउंट कर दिया, नहीं गिन दिया, तो इसका मतलब है यहाँ 88 है यहाँ 116, अगर 71 कब आया, जब 116 लिया तब, अगर ये वाला लेगा तो एक्चुअली कम नहीं जाएगा क्योंकि इससे कम है, तो कम जाएगा तो माइनस, अगर बढ़ जाता तो जब प्लस करते हैं, कितना कम जाता तो 28 कम जाता, 28 कम जाता तो कई वो संख्या था 14, 14 के लिए औसत में कितना कमी होता है, टोटल 28 कम था लेकिन औसत में कितना कमेगा, तो औसत में योगफल बटे संख्या से भाग देना है, तो कम जाएगा, हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते बाबू 31 हो गया, 32 नंबर क्वेश्चन, 32 आशा करते बन जाएगा, बस हिंट हम दे देते हैं 32 नंबर, ठीक 32 नंबर हिंट दे देते हैं, 27 का 2 भागों में इस प्रकार विभाजित करें कि पहले भाग का 5 गुना दूसरे भाग का 11 गुना दोनों मिलाकर 195 के बराबर हो, तो पहले और दूसरे भाग का अनुपात क्या है, तो आइए देखते हैं थोड़ा सा क्या है, 32 27 का 2 भागों में इस प्रकार विभाजित करें कि पहले भाग का 5 गुना और दूसरे भाग का 11 गुना दोनों मिलाकर 195 के बराबर है, दोनों मिला के 195 के बराबर है। अच्छा ऑप्शन हम देख लेते हैं क्या क्या है, हमको नहीं आ रहा है यहाँ पे समझ में, मान लिया जाए तो पहला ऑप्शन है 2 7 और दूसरा जो ऑप्शन है 3 2, तीसरा जो ऑप्शन है 17 10 और चौथा जो ऑप्शन है 5 4। तो देखते हैं 27 को 2 भागों में बांटा गया है, मैंने योगफल कितना होना चाहिए 27, तो हमसे बाबू फाइंड आउट क्या करना है वो देखिए, तो पहले और दूसरे भाग का अनुपात, पहले और दूसरे भाग का अनुपात क्या होगा, यही ना, तो ऐसा करते हैं पहले और दूसरे भाग का अनुपात क्या होगा, हम मानते हैं ये अनुपात होगा या ये अनुपात होगा या ये, या ये, तो सुनिए 27 है, 27 को 2 भाग में बांटा गया, मीन 27 क्या है, योगफल है, अगर योगफल है तो सुनिए योगफल के तुलना योगफल से होगा ना, तो ऐसा कीजिए 27 से क्या कब आएगा, 27 यानी 7 दोनों है तो 7 दोनों है 3 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 7 21 हो जाएगा ना, ये 3 2 5 है, ये तो कट बोल करेगा तो ये नहीं होगा, देखिए बता रहे क्यों नहीं होगा, 5 4 9 है 3 से गुना कीजिए, नहीं 27 योगफल है 3 से गुना कीजिए 15 12 12, आइए 27 योगफल है तो 27 है ना, चलिए ये तो पहले ही छट गया, अब सुनिए कह रहा है पहले भाग का 5 गुना दूसरे भाग का 11 गुना दोनों मिलाकर 195 होता है, इससे चेक कर लीजिए, पहले भाग का 5 गुना 6 5 30 दूसरे भाग का 11 गुना
तो 11 काम 11 11 दूनी 62 23 दोनों के योगफल आना चाहिए कितना 195 आएगा। अरे यार 200 से ये फालतू में ही नहीं होगा, वो तो चेकिंग करेंगे। ये वाला पहले भाग का 5 गुना 17 बचे, दूसरे भाग का 11 गुना, तो 11 से 110 दोनों मिला के आता है 195। यस आ जाता है तो ये पे यही आपका सही हो जाएगा, ये नहीं आएगा। आपने तो चेक कीजिएगा, जैसे पहले भाग का 5 गुना 15 पचे 75 और दूसरे भाग का 11 गुना नहीं यानी 111 नहीं 110 और इतना नहीं, दोनों का आएगा जोड़ के 195 5 एक छोड़ तो इसी आगे नहीं। तो आपका जो आंसर क्या हो गया, तो चेक हम लोग कर लिए। आगे बढ़िए 33 नंबर क्वेश्चन बाबू, 33 नंबर क्वेश्चन जो है ये है, क्योंकि फास्ट में अगर नहीं बताएंगे तो शायद सोल्यूशन नहीं हो पाएगा, इसलिए हमको फास्ट में चलना पड़ेगा थोड़ा। एक्स यू माइनस जो जो हार्ड है वो हम बता देंगे। बोल रहा है इसके बराबर क्या है, फट इसके बराबर क्या है, इसके बराबर क्या है। तो यार ऐसा करो इसको गुना कर दो, पहले ये वाला गुना कर देते हैं, इसमें भी गुना हो जाएगा और इसमें भी, तो चलो एक्स क्यूब गुना होगा इसमें तो बेस सेम होगा पावर जुट जाएगा, एक्स के पावर 6 हो जाएगा, फिर ई वाला गुना किए इसमें माइनस एक्स क्यूब बाई 6, अब ई वाला गुना करो इसमें प्लस एक्स क्यूब बाई 6 होगा ना। आइए प्लस माइनस माइनस बाई अगुना बाई तो अथी बाई पर पावर 6 बाई पर पावर 6 बेस सेम है 12 हो जाएगा ना बाबू, ये वाला कट जाएगा प्लस माइनस यानी बचा क्या एक्स के पावर 6 माइनस बाई के पावर 12, ये आपका आंसर बी हो जाएगा। ठीक 34 हम आशा करते हैं कि आप लोग से बन गया होगा, इसमें कैलकुलेशन है आप कर लीजिएगा क्या नहीं बन सर। अच्छा ठीक है ठीक है, 160 का ये भाट मैंने एक्स और परसेंट मैंने 1/100 कर दे, एक्स सब है रूट के अंदर है नहीं, अबर अबर 64/2 बस सही है ना, 64/2 है ना 32 हो जाएगा ना। अब इसको आप कैलकुलेशन कर लीजिए आराम से, ठीक आ जाएगा जो आएगा आपका सही है। ठीक जो भी आगे 100 का वैल्यू ले हो जाएगा हो जाएगा यार। चलो खैर आगे ये 35 नंबर 35 नंबर ध्यान दीजिए, ये देखिए ब्रिज से आ रहा है बार बार क्वेश्चन, ब्रिज माउ पिरामिड, ये जो है आपका ब्रिज माउ पिरामिड समचतुष्फलक, ये तीन टॉपिक एक छिन्ना, ये एडवांस मैथ का है, एडवांस मैथ का है, अगर कभी मौका मिलेगा तो हम पूरा बता देंगे। ऐसे पहला वाला भी वीडियो में हम कंसेप्ट दिए थे बाबू प्रिज्म के बारे में, कि प्रिज्म आइए थोड़ा सा फिर से आप लोग को बुझा देते हैं शॉर्ट में कि कैसे प्रिज्म ऑफ पिरामिड से क्वेश्चन आता है। ध्यान दीजिए थोड़ा सा वीडियो को रोक दीजिए, आइए आपको प्रिज्म और प्रिज्म से हमेशा जो है क्वेश्चन आ रहा है, तो ऐसा करते हैं हम प्रिज्म और पिरामिड के थोड़ा सा कंसेप्ट देना चाह रहे हैं ठीक ना, कि अगला बार से जब प्रिज्म और पिरामिड मिले तो छूटे नहीं, प्रिज्म से ज्यादा आता है बाबू ध्यान देना है। पिरामिड आप लोग जानते होंगे मिस्र वाला पिरामिड क्या होता है ना, कि बेस कुछ भी रहता है सब तू देखेगा एक बिंदु पे, मिस्र वाला पिरामिड सब एक बिंदु पे जाके मिल जाता है, सब एक बिंदु पे जाके मिल जाता है पिरामिड में, यानी बेस कुछ और रहेगा अब सब शीर्ष जो है एक बिंदु पे मिल जाता है, नहीं तो पिक देखेगा मिस्र वाला पिरामिड उसी बोलते हैं ठीक ना। यानी पिरामिड बोले ना, पिरामिड बोले तो शंकु को याद कर लिया जाता है, किसको शंकु को। अब प्रिज्म बोले, प्रिज्म ऐसा होता है कि जो तुम्हारा बेस रहेगा वही शीर्ष भी रखता है, वही शीर्ष भी रखता है, यानी पिरामिड प्रिज्म बोले तो किसको याद करना है बेलन को, यानी पिरामिड बोले शंकु, पिरामिड बोले तो शंकु को याद कीजिए और प्रिज्म बोले तो वेलन को याद कीजिए। याद कीजिए मैंने टोटल इसका फॉर्मूला लगेगा, टोटल ये दोनों के फॉर्मूला लग जाएगा, यानी टोटल ये
आज अगर देख लेते हैं आप एक मिनट तो टोटल ये दोनों बन जाएगा, ठीक ना। तो ध्यान दीजिए, आप हमको बताइए कि बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है? वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है बेलन के? 2πr। ये छोटा है ना, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है ना, यानी वक्र पृष्ठ प्लस दूगो सर्किल 2πr² यही होता है। और आयतन, आयतन बेलन के जो होता है πr² ये। अब जो है प्रिज्म के भी यही सब फॉर्मूला हो जाएगा। कैसे होगा ध्यान से सुनिए, प्रिज्म बोले तो किसको याद करेंगे? बेलन को याद करेंगे। प्रिज्म बोले तो बेलन के, ठीक ना, क्योंकि जो अनी बेस होता है वही शीर्ष होता है, इसलिए बेलन को याद किया जाता है, ठीक ना। शौक न बता रहे बस। तो अब आइए, बोलेगा प्रिज्म, प्रिज्म के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो क्या हो जाएगा? प्रिज्म के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो इसका जो वक्र पृष्ठ होगा, होगा बाबू देखो 2πr, बेलन के वक्र पृष्ठ क्या होता है 2πr और यच, तो 2πr क्या है? आधार के परिमाप बोल सकते हैं और गुना ऊंचाई। तो यहाँ प्रिज्म के वक्र पृष्ठ हो जाएगा आधार के परिमाप, आधार के परिमाप अगुने ऊंचाई, अगुने ऊंचाई कर ले रहा है, ठीक। आधार के परिमाप अगुने ऊंचाई हो जाएगा क्या? प्रिज्म के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। आइए, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा यानी प्रिज्म के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, प्रिज्म यानी प्रिज्म के संपूर्ण संपूर्ण क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? तो संपूर्ण क्या हो जाएगा? तो देखिए, पहले वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल यानी क्या ई वाला होगा ना, ई होगा मैंने 2 × आधार के परिमाप, परिमाप 2 × आधार का परिमाप प्लस प्लस 2 × आधार के, इसको क्षेत्रफल बोल सकते हैं πr² को, तो हो जाएगा 2 प्लस हो गया ना बीच में 2 × आधार के क्षेत्रफल, ये हो जाएगा। आयतन प्रिज्म के क्या होगा? प्रिज्म के आयतन, प्रिज्म के आयतन क्या हो जाएगा? देखिए πr² माने आधार के क्षेत्रफल, आधार के क्षेत्रफल अगुने ऊंचाई। अगर आपको बेलन के फॉर्मूला याद है तो मानिए आपको प्रिज्म के भी पूरा फॉर्मूला आपको याद है। आप एक बार अगर प्रैक्टिस कर लेते हैं तो टोटल सोल्व हो जाएगा। आज चलिए प्रिज्म ही बताते हैं, कल पिरामिड हम बता देंगे, ठीक ना। तो ध्यान देना है, प्रिज्म से आया था क्वेश्चन कहां, ये 35 नंबर क्वेश्चन था बाबू। प्रिज्म से बोल रहा है कि 10 सेमी ऊंचाई वाले प्रिज्म का आधार वर्गाकार है। प्रिज्म के आधार क्या है? वर्गाकार। प्रिज्म के आधार वर्गाकार है, ठीक, 10 सेंटीमीटर भुजा वाला और 9 ऊंचाई वाला। 10 सेमी ऊंचाई वाले प्रिज्म के आधार वर्गाकार है। प्रिज्म के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 192 है। 192 जो है ना प्रिज्म के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। आइए, प्रिज्म के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 2 × आधार का परिमाप प्लस 2 × आधार का क्षेत्रफल। तो आइए, तो क्या हो जाएगा? 2 बाबू कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? 2 × आधार का परिमाप। तो आधार का परिमाप, आधार का परिमाप नहीं, तो इसका आधार क्या है? वर्गाकार है। आधार क्या है? वर्गाकार। वर्ग के भुजा मान लिए ए, तो आधार का परिमाप क्या हो जाएगा? वर्गाकार या परिमाप 4a, ठीक। अब प्लस प्लस, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे इससे सिंपल देगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। आधार का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? आधार a² इतना, ये तो गुणनखंड आ गया यार, तो काट दो, 2 से कॉमन होगा, प्लस 2 कॉमन होगा, ऐसे अब यहां से 9 × 2 = 18, ये 96। अब इसको जो है तोड़ना है तुरंत, a² और ये
प्लस 4a और माइनस 96 बराबर 0। अब इसको थोड़ा सा खंड करना, गुणनखंड यानी कैसे टूरे बारो अठी छियानवे ए स्क्वायर प्लस 12a माइनस 8a माइनस 96 इज इक्वल टू 0। ए दोनों से कॉमन हो जाएगा तो ए इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा ए प्लस 12 माइनस 8 कॉमन रे बाबू, तो ए प्लस 12 हो जाएगा बराबर 0। ए प्लस 12 कॉमन तो क्या हो जाएगा ए माइनस 8 बराबर 0। यहाँ से ए का मान माइनस 12 और प्लस 8 हो जाएगा, यानी ए का मान 8 आ गया ना, प्लस वाला लेंगे ना तो यानी भुजा कितना आ गया वर्ग 8, भुजा आ गया 8। अब हमसे क्या कह रहा है प्रिज्म के आयतन, आयतन चलिए आधार के क्षेत्रफल, आधार के क्षेत्रफल क्या हो जाएगा यानी आयतन बराबर की निकल गया बाबू, आयतन आधार का क्षेत्रफल बने, आधार क्या है आधार है वर्ग, तो वर्ग के क्षेत्रफल अठी अठी 64 अपने ऊंचाई तो है ये है दे ले बाबू 10। हाँ कितना हो गया, ये थोड़ा सा लंबा दे दिया था, इतना लंबा नहीं देता है अक्सर कुटिंग दाम जिलू बस रहता है ठीक है ना, लेकिन क्या करें दे दिया लंबा, तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा ठीक। तो आप जो है ना प्रिज्म के पूरा कंसेप्ट इसी पे, जितना भी प्रिज्म का है क्वेश्चन आप जो है YouTube से सर्च कर लीजिएगा या कहीं पे असाइनमेंट होगा पूरा प्रिज्म के नहीं बन जाएगा, आप जो है जाइएगा और इसको जो है अभी प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि प्रिज्म पिरामिड आनी नहीं पढ़ाया जाता है क्लास में ठीक ना, हम थोड़ा सा जानकारी दे दिए सौ में ठीक। चलिए आगे खैर ये 36 लगता है बन गया होगा शायद नहीं, 36 बन गया होगा, दो संख्या का लघुत्तम समापवर्तक उसके महत्तम समापवर्तक के लघुत्तम जो है एलसीएम एचसीएम के कई गुना है 12 गुना है, महत्तम और लघुत्तम के योग कितना है 403 नहीं योग है मान लीजिए ले एक्स क्या दिक्कत है, तो 12x 13x बराबर इतना नहीं एक्स का मान बाबू 33 40 13 13x बराबर 31। अच्छा हमसे क्या पूछ रहा है उनमें से एक संख्या 93 है तो दूसरी संख्या क्या है, वेरी सिंपल यार एक संख्या 93 तो दूसरी संख्या, चूंकि आप लोग फॉर्मूला जानते हैं एलसीएम गुणे एचसीएम बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या ना, तो चलिए एलसीएम क्या हो जाएगा 12 गुणे 31 गुना हो जाएगा और एलसीएम ही हो गया अगुना एचसीएम यानी 31 बराबर पहली संख्या दे ले है 93 और दूसरी संख्या नहीं निकल जाएगा, दूसरी संख्या क्या मान लो दूसरी संख्या ये चीज ठीक, तो 31 दिया शायद 93 होता 3 चौका 12 ये 4 अचर 12 ऐसे हो जाएगा यानी दूसरी संख्या क्या हो जाएगा 124 हो जाएगा ठीक। ये सिंपल है 37 नंबर, एक व्यक्ति अपने 3 महीने एक व्यक्ति अपनी 3 महीने की आय और 4 महीने में खर्च करता है। अच्छा यानी बोल रहा है ना बाबू एक व्यक्ति 3 महीना के आय 4 महीना में खर्च करता है, 3 महीना के आय आय को कितना महीना में खर्च करता है 4 महीना में नहीं सही है ना, 3 महीना के आय 4 महीना में खर्च करता है, तो 3 महीना के आय 4 महीना में खर्च करता है तो 4 3 हो जाएगा आय और कौन सी अनुपात नहीं। अच्छा ठीक है उसकी बचत, उसकी मासिक बचत 1000 है यहाँ एक, तो निकालना क्या है उसके वार्षिक बचत, अच्छा मास बचत बचत अच्छा बचत के तुलना बचत से किए तो बचत तो कुछ ही है, ये क्या है 1000 उसकी मासिक आय है बाबू, आय यहाँ कितना 4 और बचत 1 महीना के इतना हो गया गया 1 महीना बचत और 12 महीना बचत कितना हो जाएगा 12 महीना की बचत कितना हो जाएगा 3000 हो जाएगा, कोई दिक्कत आइए थोड़ा ये सिक्का वाला बन गया होगा आशा करते हैं सिक्का वाला बन गया होगा ना हाँ हो जाएगा और ये भी बन गया होगा 39 40 भी बन गया होगा कि नहीं बना 40 बाबू सिंपल है 40 का ट्रिक है 40 का ट्रिक है थोड़ा सा ध्यान देना है इस टाइप का देखो
ध्यान देना है, ये केंद्र है बाबू, आपको बस समझा देते हैं, आप बना लीजिएगा। एक सर्किल है ठीक, दो को जीवा दे दे, एक वो आठ है, एक वो छो दे दे, केंद्र के विपरीत साइड अगर जीवा रहे, रेडियस कुछ भी दे उससे मतलब नहीं है, बोले कि दोनों जीवा के बीच के दूरी, तो सुनो इसमें दो केस होता है, एक केंद्र के दोनों साइड होगा, एक केंद्र के एक ही साइड होगा, कोई दिक्कत? बोलेगा दोनों भी, दोनों यानी एक वो आठ है वो छो, बोलेगा दोनों जीवा के बीच की दूरी बता दीजिए, ठीक ना? तो अगर विपरीत तो क्या होगा ना, दोनों जीवा लिख देना, यानी दोनों जीवा लिख देना, दूर से भाग दे देना, कोई दिक्कत? अब विपरीत साइड रहे तो जोड़ देना, वही दोनों जीवा के बीच की लंबाई हो जाएगा, यानी कितना यहां हो गया, चार तीन सात। और अगर एक साइड रहेगा तो दोनों जीवा लिख देना और दूसरे भाग देना, लेकिन एक साइड रहे तो घटा देगा, वसूल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, चार और ये क्या हो जाएगा तीन, कोई दिक्कत? चार में तीन क्या, कितना हो जाएगा, दोनों जीवा बीच की दूरी एक हो जाएगा, कोई दिक्कत? क्वेश्चन में क्लियर देना चाहिए कि केंद्र के विपरीत साइड है या केंद्र के एक साइड है, कोई दिक्कत? हाँ, तो आप जो है विपरीत तो नहीं होगा बाबू, क्या आंसर मान लीजिएगा, ठीक? चलिए खैर आगे बढ़िए, ये आशा करते हैं बन जाएगा। 41 साइन और सॉरी कॉस 0 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू साइन 90 माइनस कॉस 450 डिग्री नहीं 45 कॉस 45 है प्लस कॉस 60 डिग्री का मान क्या होगा, हो जाएगा ना, डी ऑप्शन आया होगा, ठीक हल कर लिए होंगे। 42 भी साइन हो गया होगा, बन गया कि नहीं, 42 बन गया, 43 हो गया होगा, हाँ ये परसेंटेज वाला है ना 43, ठीक है बहुत अच्छा, 10% कमी हो गया, कितना बढ़ा दिया जाए तो 110 में 100 ये पहला भी आया था, चलिए हो जाएगा ना इतना परसेंट, ठीक। ये आशा करते हैं ये भी बन गया होगा 44 45 45 तो बेहद सिंपल क्वेश्चन है, 45 आप ऐसे कर लीजिएगा, एक धन राशि 15% के साधारण ब्याज से कितने वर्ष में 4 गुना हो जाएगा, अरे बाबू 4 गुना, गुना गुनी रहे कितना गुना हो गए एसआई में, 4 गुना हो गए, 5 गुना हो गए, 10 गुना हो गए, लाख गुना हो गए, हमेशा मूलधन एक मानना है, हमेशा मूलधन एक मानना है, और जितना बढ़ेगा ब्याज बढ़ेगा, कोई दिक्कत? तो बाबू रे 4 गुना हो गया तो मूलधन एक और ब्याज, तो रेट से निकालना है बाबू, तो ब्याज गुने 100 बटे मूलधन एक ना है, अगुने समय कितना अच्छी रेट कितना है 15 हो जाएगा ना, कम कर लोगे, ठीक बाबू। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसको मिटा के, ठीक ना। नंबर क्वेश्चन जो है हम देखते हैं, बेहद सिंपल है, नाव धारा का क्वेश्चन है, आइए। एक व्यक्ति ने 60 किलोमीटर की दूरी तक नाव चलाकर जाता है और 13 घंटा 30 मिनट तक वापस आता है, यानी बाबू है क्या, एक नाव जो है नदी में 60 किलोमीटर तक गया और फिर वापस आया भी, यानी गया होगा यूएस में तो आया होगा डीएस में, अब समय कितना लिया, 13.5 घंटा बोले तो 13.5 कितना बोलते हैं, 27/2। एक नाव है नदी में 60 किलोमीटर गया और वहां से वापस आया, अगर जा गया होगा धारा के साथ तो आएगा धारा के, तो बाबू रे जाएगा, हम बोले हैं हमेशा नाव धारा पढ़ाते हैं कि नाव के चाल हमेशा शॉर्ट में बता रहे हैं, नाव के चाल हमेशा एक्स मानते हैं और धारा के चाल वाई मानते हैं, ठीक ना? तो यूएस होता है अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम मतलब चढ़ाव, यानी धारा के विपरीत, यूएस जो होता है धारा के विपरीत, तो यूएस के मान जो हो जाता है बाबू एक्स माइनस वाई हो जाता है, कोई दिक्कत? और डीएस के मान एक्स माइनस वाई, यानी यूएस होता है धारा होने से आ रहा है और नाव इन जा रहा है, तो धारा के विपरीत हो जाएगा यूएस, उसको मानते हैं, और धारा के साथ धारा जने जा रहा है इन्हें जा रहा है, तो इन्हें नव हो जाएगा ज्यादा जाएगा, तो धारा के चाल और नाव के चाल जुट जाता है, ठीक ना? तो उसको डाउन स्ट्रीम बोलते हैं धारा के साथ, और धारा के विपरीत अप स्ट्रीम बोलते हैं, ठीक ना? तो अप स्ट्रीम क्या हो जाता है एक्स माइनस वाई और डीएस के मान क्या हो जाता है ये चीज, ठीक ना? तो आइए बाबू वो चीज हो गया आगे। वह देखता है
कि वह प्रवाह के साथ उतने समय में 5 किलोमीटर जाता है, प्रवाह के साथ धारा के साथ मैंने डीएस। वह देखता है ना बाबू कि धारा के साथ 5 किलोमीटर जा सकता है जितना समय में वह प्रति प्रवाह में 4 किलोमीटर जा सकता है। यानी कहने के मतलब है कर कि धारा के साथ जितना समय में 5 किलोमीटर जाता है उतना ही समय में धारा के विपरीत में 4 किलोमीटर जाता है। उतना ही समय में माने अगर t समय में गया धारा के साथ 5 किलोमीटर तो धारा के विपरीत t समय में जाएगा तो यहाँ tt कट गया यानी हो गया 5:2। अच्छा बाबू ये दूरी बटे दूरी 5 किलोमीटर दूरी अभी समय तो दूरी बटे समय की हो गया चाल हो जाता है। अच्छा चाल हो गया सही है ना चाल हो गया। इसको मान लेते हैं 5 भी इसको बोल भी कोई दिक्कत भी से गुना कर दिए। अब आइए डीएस का मान क्या है 5 भी यूएस का मान 4 भी। अब बाबू रे यूएस का मान रख दो कहिए 4 भी और डीएस का मान रख दो कितना 5 भी तो क्या हो जाएगा 5 से कट जाएगा 12 5 7 ये 15 4 7 ऐसे होगा। अरे भी बेस सेम है तो ऊपर जुट जाएगा तो कितना हो जाएगा 27/2 27 कट गया बाबू भी बराबर हल कर दिए कोई दिक्कत। अब भी के मान यजा रख दो 10 और 8 बाबू रे डीएस का मान है दे ले डीएस का मान क्या होता है x-y और यूएस क्या होता है x+y। तो चलो किसका पूछ रहा है यार अगर नाव के चाल निकालना है तो जोड़ के दूसरे भाग धारा के चाल निकालना है तो किसका चाल निकालना है बोलो जल्दी धारा के प्रवाह प्रवाह की गति क्या है मैंने धारा घटा के दूसरे भाग 10 में से गया 8 2 और 2/2 तो 1 किलोमीटर पर ये चीज हो जाएगा। थोड़ा लंबा था क्वेश्चन बट हम इसको शॉर्ट में बता दिए। आइए 47 नंबर क्वेश्चन बेहद सिंपल है पता है 47 नंबर क्वेश्चन a+(1/a) = -1 तो 1 - a+a² 1 + a - a² ठीक। अरे बाबू यहां से ले लो a² + 1 बराबर -1 समझा ये चीज को आशा करते हैं समझ गया होगा ठीक। तो बाबू एक चीज हमको बता दो a² सही है अब क्या करें यार अब रुको हाँ अगर हम करेंगे तो अच्छा माइनस अच्छा यहां डायरेक्ट तो आ रहा है a² ठीक इसको हम एनएल चलाते हैं तो ए क्या हो जाएगा अच्छा a² + 1 बराबर क्यों होगा माइनस ए क्या हो जाएगा -2a ये होगा। अब गुना उसका मान क्या होगा यार उसका मान होगा a² - में होना चाहिए। अच्छा कोने लेक्चर जाएंगे -a² और नहीं यार ये वाला ऐसे करो ना 1 आएगा +a = -a² होगा कि नहीं तो 1 + a = क्या हो जाएगा -a² हो जाएगा तो -2a² ये नहीं हुआ रुको यार ये से होगा ये से हो गया ना रुको इसको ऐसे कर दो a² आइए +1 आइए +1 a² + a कर सकते हैं अब +1 = 0। अब जो है एक चीज देख रहे होंगे यहां हम गुना कर सकते हैं a-1 से आइए नो भी a-1 से बोलते हैं 0 हो जाएगा ठीक। तो ऐसा करते हैं ये फॉर्मूला पे बैठ गया आप फॉर्मूला जानते हैं a³ - b³ के फॉर्मूला क्या होते जानते हैं a² - ab + b² नहीं यार प्लस होता है ठीक ये चीज होता है। तो क्या हम करें a - b (a²) देखो a के रूप में a है और b के रूप में 1 है तो a²
और ये प्लस ए माइनस बी तो हो गया आई ए स्क्वायर और प्लस ए बी यानी ए गुना एक तो ए बेन होगा और प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा बराबर जीरो। तो यार ऐसे भी हम कर सकते हैं, देखो देखा इतना बराबर भी जीरो हो जाएगा, जीरो गुना समथिंग जीरो तो इतना बराबर भी जीरो हो जाएगा तो इतना बराबर वन नहीं आ सकता, एक मान ए का मान वन हो जाएगा। तो ऐसा करो ए के मान वन हो जाएगा, ए के मान वन हो जाएगा ना, तो यार क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए का मान वन हो जाएगा और इतना बराबर भी जीरो हो जाएगा। तो ए का मान अगर वन हो गया, ए का मान अगर वन हो गया तो रखो वन माइनस वन यहाँ पे प्लस वन यहाँ पे बाबू वन यहाँ पे प्लस वन यहाँ पे माइनस वन, तो यार एक आता है, चार आंसर हम क्या करें, रख दे दो इसको, चलो आगे बढ़ो। अरे आंसर क्या होगा पता नहीं उसको, तो ऐसे हम अच्छा ठीक है आगे बढ़ जाओ देख लेते। 48 हो गया होगा, 49 हो गया कि नहीं, 49 तो सिंपल है। अरे बाबू एक गोलार्ध और शंकु का आधार समान है, एक गोलार्ध है और एक शंकु के आधार समान है, गोलार्ध जानते हो अर्ध गोला के बोलते हैं, ठीक गोलार्ध मैंने अर्ध गोला और शंकु के आधार समान है, इसकी ऊंचाई भी समान है, लो इसका ऊंचाई भी समान है ऊंचाई, अरे आधार समान है मैंने रेडियस अगर आर होगा तो ऊंचाई भी आर, तो ये तिर्यक ऊंचाई आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर मैंने आर आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रूट अंडर टेन होगा यार, तिर्यक ऊंचाई तो क्या हो जाएगा आर आई टू रूट टू होगा, ठीक। अब सुनिए इसका भी रेडियस आर हो गया, अब बोल रहे उसके वक्त पृष्ठ के अनुपात क्या होगा, इसका वक्त पृष्ठ क्षेत्र बताओ हमको 2 पाई आर स्क्वायर, इसका वक्त पृष्ठ बताओ पाई आर, पाई से पाई आर कट गया 2 गुने ई आर स्क्वायर इज 2 आर अगुने ईआर के मान कितना है बाबू आर रूट 2 ये आर स्क्वायर हो जाएगा। अरे बाबू 2 को क्या लिख सकते हैं रूट 2 गुने रूट 2 इज 2 रूट 2 और 9 सही है ना, ये सही कट गया रूट 2 इज 2 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत हाँ, तो इसका ये चीज हो जाएगा 48 अच्छा 48 नहीं आया, नहीं आप ऐसे नहीं कर सकते हैं तो नहीं आया तो हम क्या करेंगे 5 10 a बराबर है 4 रे बाबू और मान जो है ना 5 sin a और -3 cos a और बटे साइन ए माइनस 2 cos a बराबर 1 ये है ना, अब आप यहां से कर सकते हो tan a बराबर क्या चीज 4/5 आपत्ति है 4/5 तो 4/5 रख दो। अच्छा tan को क्या लिख सकते हैं साइन ए बटे cos a लिख सकते हैं किधर, साइन का मान 4 हो गया cos के मान 5 हो गया, 4 हो गया ना साइन के मान क्या हो गया 4 और cos के मान 5 हो गया, साइन तो कितना हो जाएगा यार 5 का 20 माइनस cos 5 दिया 15 बटे यार कितना होगा यहाँ पे ये चीज ये क्या है 4 है माइनस माइनस 5 दूनी ऐसे है ये तो माइनस में आ जाएगा ना, हमको लगता है ये तो होगा ये चीज की है पता भी है क्या होगा, तो यहाँ पे कुछ छूट गया इसलिए तुम्हारे आंसर नहीं है, कोई दिक्कत यहाँ पे कुछ होना चाहिए देख रहे प्लस में है ठीक हाँ। तो 50 बाबू क्या चीज है था 49 हो गया था, 50 बेहद सिंपल क्वेश्चन है पता है 50 देख लीजिए थोड़ा सा, अरे बाबू एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या है 6 और क्या है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर 3 तो किसका वैल्यू बाबू एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz बराबर 1 बेहद सिंपल। आइए इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए थोड़ा सा स्क्वायरिंग बोथ साइड तो क्या हो जाएगा जानते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर यानी जेड स्क्वायर माइनस और प्लस 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स
होगा कि नहीं? अगर हम अच्छो छका स्क्वायरिंग बहुत साइड किए तो ये लोग स्क्वायर करेंगे तो ऐसे फॉर्मूला हो जाएगा, इन्हें स्क्वायर करेंगे तो और ये लोग भी स्क्वायर करेंगे, ये फॉर्मूला इन्हें हो जाएगा, इन्हें छोछा का छत्तीस। अरे बाबू इसका मान दे रखा है तीन, दस दूनी बीस, बीस गए उन्हें सोलह, बीस उन्हें जाएगा सोलह, कितना बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर आ गया ना सोलह। अब सुनिए इसका फॉर्मूला है, आप अगर अलजेब्रा पढ़े होंगे तो इतना बराबर फॉर्मूला होता है, इतना बराबर क्या होता है फॉर्मूला जानते हैं? इतना बराबर फॉर्मूला होता है कि x प्लस वाई प्लस जेड और x प्लस वाई प्लस जेड इंटू इंटू एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये चीज होता है, इतना बराबर फॉर्मूला होता है बाबू ये चीज नहीं तो ध्यान देना है। यहां से माइनस अगर कॉमन ले लेंगे ये तीनों से माइनस अगर कॉमन ले लेंगे ले, तो आ जाएगा क्या चीज, ये माइनस कॉमन ले लिए प्लस 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 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो इसका मान दे रखा है कितना, दस, दस दे रखा है ना, दस माइनस इसका मान दे रखा है सोलह होगा ना, तो कितना हो गया छो अगुना एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान कितना दे रखा है यार, पहले दे रखा था छो छो छका छत्तीस हो जाएगा, कोई दिक्कत? तो ये आपका अलजेब्रा कहता ठीक ना हो जाएगा। इक्यावन भी सिंपल है, बेहद सिंपल है। अब बावन थोड़ा सा बता देते हैं प्रश्न मिटा के। देखो खरगोश है नहीं, खरगोश कुत्ता से आगे है, मैंने खरगोश ये चाह है गजा ये चाह खरगोश और कुत्ता गजा है कुत्ता ये चाह है ठीक। एक खरगोश कुत्ता से 100 मीटर आगे, कई मीटर 100 मीटर आगे, कोई दिक्कत ठीक। उसने पीछा पीछे मुड़कर कुत्ते को देखा कि खरगोश बाप ये आगे रहेगा वही पीछे रहेगा तथा 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से भागना आरंभ कर दिया। पीछे देखा खरगोश बाप कुत्ता है, भागे शुरू कर दिए, भागे बहुत लेकिन ने भागा। अब 12 किलोमीटर प्रति घंटा से भागे शुरू कर दिए ठीक। हाँ आधा मिनट के बाद कुत्ते ने खरगोश को देखा और 16 के स्पीड से पीछा कर लिया, चल तू भाग कहां भाग में, 16 किलोमीटर पर घंटा से रपेट दिया। कितना, आधा मिनट के बाद, जब तक आधा मिनट में कदम पहुंच जाएगा ये रहेगा। अरे आधा मिनट में जैसे 12 किलोमीटर पर घंटा को मीटर पर सेकंड में बदल दिए, अब आधा मिनट में कितना दूरी जाएगा, 30 सेकंड नहीं तो छोटी 18 100 मीटर और चल गया 100 मीटर जो था 100 मीटर और आगे चल गए, आगे खरगोश बाप गजा गया, ये जा खरगोश बाप गजा चलाया, खरगोश ये जा चलाया ले 100 मीटर और भाग आया। अब जो है फासला कितना हो गया, 200 मीटर। अब फासला कितना हो गया, 100 मीटर दे तो पूरा फासला 200। अब ये जाया तो ये शुरू हो गया, तो ये भी तो अभी शुरू ही है तो ये जे पकड़ा जाएगा, ये कुछ तो ये जा आएगा। मान लो कि ये जा पकड़ा गया, मान लो ये जा पकड़ा गया, मान लो यहां से यहां खरगोश आया x मीटर तो पकड़ा गया, और तो मान लो खरगोश जो यहां से यहां आया तो ये जा पकड़ा गया x मीटर आया, तो जितना समय में खरगोश हुआ यहां से इतना दूर आया उतना समय में कुत्ता आ गया होगा यहां से, बात है ये चीज है, जितना समय में ई आया यहां से यहां उतने ही समय में ई आ गया होगा यहां से यहां आ गया होगा ना। तो चलिए देखिए जितना समय में खरगोश इतना दूरी को तय किया होगा, यानी इतना दूरी कैसे जाएगा बाबू, 12 के स्पीड से समय समय नहीं निकला, इतना दूरी तय करने में कितना समय लगेगा खरगोश के, दूरी बटे चाप को दिक्कत तो समय आएगा, और उतने ही समय में ई चल गए कितना दूर, ई सौ 200 और प्लस 200 प्लस 100 बटे कितना स्पीड से 16। अब आप सोच रहे होंगे सर यहाँ मीटर है यहाँ किलोमीटर पर घंटा क्यों नहीं चेंज की, लोग चेंज कर देते हैं, लोग मीटर पर किलोमीटर पर घंटा को मीटर पर सेकंड में चेंज कर दिए, चेंज कर दिए कटिए ज्यादा बाबू इसलिए हमने चेंज कर दिया ठीक। हाँ तो ये क्या हो जाएगा, 4×12=16, 3 यार गुना कर दो तो क्या हो जाएगा 600 3x और ये 4x 3x गया तो कितना हो जाएगा x बराबर 600 हो जाएगा ना। तो हमसे क्या पूछ रहा था बोल, बहुत अच्छा क्या पूछ रहा है, पीछा किया वह कब उसे पकड़ लेगा, कब
कप पकड़ लेगा बाबू, तो कप पकड़ लेगा जितना समय में इतना दूर से इतना गया और नहीं समय में तो पकड़ो ये इतना इसी समय यानी एक दिन को रख लो तो दूरी कितना है 600। अब बैठे यार 600 बटे 12 गुने 5 बटे 18 बचे 5 से ये बोला 18 ऊपर जाएगा 180 सेकेंड आ जाएगा 180 सेकेंड मैंने 3 मिनट में पकड़ जाएगा। तो आप जो है ऐसा डायरेक्ट भी बना सकते थे कि अगर रेलगाड़ी गाड़ी पढ़ ले तो डायरेक्ट जानते हैं क्या चीज हो जाएगा 200 समय डायरेक्ट निकल जाएगी। सब कोई कैलकुलेशन नहीं होगा। क्या है अंतर कितना है 200 और सापेक्षिक चाल घट जाएगा। सापेक्षिक चाल एक दन है तो घट जाएगा कितना हो जाएगा 16 में से बढ़ गया 4 को मीटर पर सेकंड में बदल दो हो गया हम लोग 25 ये 10 ये कितना हो गया 180 सेकंड। आप सॉफ्टवेयर ऐसे यूज कर सकते हैं फिर डायरेक्ट समय निकल जाएगा। क्या बाबू क्या बोला तो बेहद सिंपल होता है 98 टू 100 रहना चाहिए लिखा हुआ ठीक। तो क्या हो जाएगा बाबू देखो ये है कच्चे माल की लागत अब यह है पैकिंग सामग्री की लागत सी है श्रम की लागत और डी है अनुरक्षण लागत। अच्छा कोई दिक्कत नहीं सभी लागत नहीं ठीक है कच्चे माल लागत ये पैकिंग लागत। अच्छा 98 क्या बोल रहा है यदि कुल अनुरक्षण लागत इतना है कितना है बाबू 12.5 लाख है अनुरक्षण पर लागत 12.5 से बढ़कर 50 लाख रुपया हो जाती है। यदि अनुरक्षण लागत 12.5 लाख से कितना हो जाता है 50 लाख तो अनुरक्षण लागत में कितना परसेंट की वृद्धि हुआ तो डायरेक्ट नहीं हुआ डायरेक्ट तो आ जाएगा हटा दीजिए 4 अनुपात 4 बोले ना तो 300% वृद्धि 1:4 के मैंने 300% वृद्धि नहीं दिया है सर 98 की दिया करना 37% घटा देना